भक्तों, तो इस वीडियो में एक ऐसा मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पे हनुमान जी अपने पत्नी के साथ में विराजमान हैं। भक्तों, हनुमान जी और उनकी पत्नी के एक साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। और भक्तों, ये भी जानेंगे कि हनुमान जी का विवाह कब और क्यों हुआ था। तो बने रहे भक्तों इस वीडियो में आप शुरू से एंड तक। भक्तों, पवन पुत्र हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया था। भक्तों, रामायण और रामचरितमानस में भी श्री हनुमान जी के ब्रह्मचारी होने का जिक्र है, लेकिन भक्तों, रामायण और रामचरितमानस में हनुमान जी के विवाहित होने का प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिए अधिकतर लोगों को ये मालूम नहीं है कि हनुमान जी विवाहित है, लेकिन भक्तों, प्राचर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख किया गया है। और भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर तेलंगाना में, हनुमान जी को विवाहित माना जाता है। और इसके साथ ही भक्तों, हनुमान जी और उनकी पत्नी सूर्यचला की पूजा होती है। भक्तों, आपको ये भी बता दूं कि तेलंगाना के खम्मम जिला में एलनाडु गांव के एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नी की प्रतिमा भी विराजमान है। भक्तों, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। भक्तों, मान्यता है कि हनुमान जी और उनकी पत्नी के एक साथ दर्शन करने के बाद घर में चल रहे पति पत्नी के बीच के सारे तनाव खत्म हो जाते हैं। भक्तों, इस मंदिर में पति और पत्नी यानी जोड़ा से दर्शन करने आते हैं और दर्शन के दौरान हनुमान जी के समक्ष अच्छे से जीवन बिताने का वादा करते हैं। वादा करने के बाद यह वादा दोनों पति और पत्नी को निभाना पड़ता है, अन्यथा उनका बुरा हाल हो जाता है। भक्तों, आपको ये भी बता दें कि हनुमान जी के समक्ष वादा करने के बाद पति या पत्नी जो पहले विवाद की शुरुआत करता है उसका बुरा हाल हो जाता है, यानी भक्तों, हनुमान जी उनको सजा देते हैं। इसीलिए भक्तों, हनुमान जी के इस मंदिर में दर्शन करने के बाद पति और पत्नी जीवन भर एक दूसरे का ध्यान रखें और जिंदगी भर साथ निभाएं। भक्तों, इस मंदिर में ज्येष्ठ शुद्ध दशमी को माता सूर्यचला और हनुमान जी के विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। भक्तों, आपको ये भी बता दें कि हनुमान जी का विवाह कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। हनुमान जी 9 विद्याएं सीखने की खातिर की थी शादी। और भक्तों, हनुमान जी की पत्नी सूर्यचला सूर्य देव के पुत्री थी। इसके पीछे भक्तों एक रोचक कहानी है। भक्तों, इस कहानी के बारे में किसी और वीडियो में बताएंगे कि हनुमान जी के शादी कब और क्यों हुआ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो भक्तों, ऐसे ही धर्म स्थल से जुड़ी जानकारियां अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आइए भक्तों, ये भी हम बता दें कि इस मंदिर तक हम कैसे पहुँचे। भक्तों, तेलंगाना के खम्मम जिला के हैदराबाद से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। यानी भक्तों, यहाँ पहुँचने के लिए हैदराबाद से आवागमन के उचित साधन मिल जाते हैं और हैदराबाद पहुँचने के लिए देश के सभी बड़े शहरों से बस, ट्रेन और हवाई जहाज की सुविधा आसानी से मिल जाती है। इसी के साथ भक्तों, हनुमान जी और उनकी पत्नी सूर्यचला आपके वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां दूर करें।